ले चलते हैं आपको पहली बड़ी खबर की ओर, जहां भाजपा की लोकसभा सूची का इंतजार खत्म हो चुका है। शनिवार शाम को 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 195 नाम जारी हुए हैं। 34 केंद्रीय मंत्रियों को टिकट भी मिला है। वहीं सूची में 28 महिलाएं ST यानी शेड्यूल कास्ट, 18 ST यानी शेड्यूल ट्राइब और 57 OBC नाम शामिल है। आपको बता दें कि भाजपा की लोकसभा सूची में 50 साल से कम उम्र के 47 कैंडिडेट्स हैं, जिन्हें पार्टी ने युवा कहा घोषित किया है। वहीं आपको जानकारी में ला दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। आपको आगे बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से, त्रिपुरा के पूर्व CM बिप्लब देव को त्रिपुरा, पश्चिम और असम के पूर्व CM सर्बानंद सोनोवाल को डिब्रूगढ़ से टिकट मिला है। वही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपनी सीट कोटा से फिर से मैदान में उतरने वाले हैं। इस बार उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से पूर्व IAS और मोदी के पूर्व निजी सचिव नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा को भी टिकट मिला है। वही इस लिस्ट में 4 भोजपुरी स्टार्स मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल और पवन सिंह शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय पंडा जी, मीडिया के प्रमुख आदरणीय अनिल बलून जी, संजय मयू जी और उपस्थित पत्रकार भाई और बहनों, पिछले एक दशक से निरंतरता के साथ विकास के प्रति समर्पित यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण तथा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ एक सेवा की अद्भुत मिसाल देश में ही नहीं अभी तो विश्व पटल पर प्रस्तुत किया है। अनेक जनहित के निर्णय पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह से कहा कि इस बार भाजपा 370 और NDA 400 पार का संकल्प लेकर देशवासियों के सामने जाए। पिछले कुछ दिनों में हमने लक्ष्य ये रखा है कि भौगोलिक क्षेत्र भी बढ़े, प्रदेशों में भी हम बढ़े, साथ ही NDA का भी विस्तार करने का प्रयास पिछले कुछ दिनों में हमने किया है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार पिछले 2 लोकसभा चुनाव से भी अधिक प्रचंड बहुमत केंद्र में पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन जन की आशा एवं आकांक्षाएं पूरा करने वाली सरकार बनेगी, यह हमें विश्वास है। और यह हमें ही नहीं देशवासियों के मन में भी है और इसलिए वो सब के मन से आवाज आ रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। पिछले कुछ दिनों में लोकसभा क्षेत्र में, प्रदेशों में रायशुमारी होने के बाद काफी चर्चा जो हुई, उसके बाद प्रदेश चुनाव समिति के द्वारा विचार करते हुए हर लोकसभा क्षेत्र के लिए कुछ प्रदेशों के पहले फेज में नाम केंद्र की ओर आए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ प्रदेश की
चुनाव समिति ने और चर्चा उसमें की और अंतिम 29 फरवरी को केंद्रीय चुनाव समिति जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हुई उसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से 195 सीट्स का निर्णय हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, 34 केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री इनके नाम इस सूची में 195 में है, 1 लोकसभा अध्यक्ष जी का नाम भी है और 2 पूर्व मुख्यमंत्री। ऐसे 195 में उम्मीदवारों के नाम हैं, उसमें 28 हमारी मातृशक्ति है, 50 से कम उम्र वाले 47 युवा उम्मीदवार, 47 फीमेल, 28 मातृशक्ति, 28 यूथ, 47 अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट, 27 शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति, 18-18 पिछड़ा वर्ग ओबीसी, 57 ऐसे सभी वर्गों को, सभी समाज को, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व इस पहले लिस्ट में दिया है। इसमें जो प्रदेश के बारे में विचार हुआ उसकी सूची आज है, बाकी प्रदेशों की चर्चा दोबारा जब होगी तो उसके बाद वो देंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश से 51 सीटों की आज घोषणा करेंगे।